अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये देखें, ये आपने एक शहर का नाम सुना होगा, डस्का डस्का डस्का, ये है वो डस्का शहर। ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है डस्का, डस्का लॉ कॉलेज। तो हम डस्का से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा एक आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ का व्यू है डस्का का। मुर्गियाँ शुरियाँ आ रही हैं भाई, सुबह सुबह का टाइम है, मछली भी बिक रही है यहाँ पे, और बैंक भी आ गया है, मगर हमारे मतलब का बैंक नहीं है। ये सामने मीनार भी दिख रहा है भाई, मस्जिद बहुत ही प्यारा, मछली बिक रही है। मुर्गियाँ भी बिक रही हैं और किन्नू भी बिक रहे हैं भाई, किन्नू ही किन्नू। टिपिकल यहाँ का जो स्टाइल है उसके अंदर चीज़ें बिक रही हैं डस्का शहर के अंदर। ये घोड़ा गाड़ी है क्या? घोड़ा है, गधा है? घोड़ा ही है, घोड़ा ही है भाई, घोड़ा ही है, घोड़ा है। साफ सुथरे रोड है पंजाब के, सफाइयाँ वफाइयाँ होती हैं यहाँ पे। कराची वैसे तो बेहतर हालात हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा, हालांकि छोटे छोटे से शहर हैं, इतने फेमस भी नहीं है, लेकिन सफाई चेक करें आप। गधे क्यों खड़े हैं? अच्छा, गधों पे वो लोड होके जा रहा है माल। ये देखें एक और घोड़ा गाड़ी आ रही है आगे, चेक कराते हैं अभी आपको। ये आ गई, दो घोड़ा गाड़ी आ रही है, एक जा रही है एक आ रही है, बल्कि वाह क्रॉसिंग का एक ही कचरा कुंडी में गाय कुत्ते सब है खाना खा रहे। ये देखिए यहाँ पे गधे यूज़ होते हैं भाई, ईंटें उठाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए, गधों का सही इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। और एक इस्तेमाल हमें किसी ने बताया था कि गधों को जो है ना वो ट्रेन कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता याद करा देते हैं, वो सुबह जाते हैं और शाम में वहीं पे माल लेके आते हैं। अंडे भी बिक रहे हैं भाई, अंडे गर्म, अंडे नहीं गर्म तो नहीं है, ये तो कच्चे अंडे। ओहो क्या ज़बरदस्त, चने बेच रहा है, चने बेचता है तुमने किया क्या ज़िंदगी में, चने बेचे चने। तो ये चने बेचने वाले हजरात ये हैं, खाड़ी भी है भाई यहाँ तो, सियालकोट रोड लग जाएगा क्या? ये अच्छी बात है, सियालकोट रोड आने वाले, सुबह सुबह का वक्त नाजरीन, और हम सियालकोट रोड की तरफ जा रहे हैं ताकि सियालकोट पहुंच सकें। सुलेमान स्वीट्स एंड बेकर्स यहाँ पे भी है भाई, चख लो खुशियाँ। टिपिकल लाल ईंटे जो पहचान है पंजाब की। और कराची से आप बाहर निकलते हैं खैर तो लाल ईंटे आपको दिखना शुरू हो जाती हैं।
वो कराची रह गया जो लाल ईंटों से बचा हुआ, बाकी तो मैं हर जगह यही देख रहा हूँ, लाल ईंटें ही लाल ईंटें हैं। लाल ईंटों के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा अभी। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ज़्यादातर लाल ईंटें यूज़ होती हैं। ये कौन सी बिल्डिंग आ गई भाई? होटल है कोई? सीजन होटल, सीजन होटल था, सीजन होटल। ये देखो लाल ईंटे, ईंटे ही ईंटे, गेट्स बन रहे हैं यहाँ पे लोहे के, और ये लाल ईंटों की भट्टी आ गई, भट्टी इसके अंदर बनती है नाजरीन लाल ईंटे। ये देखें आप, फैक्ट्री है ये लाल ईंटों की, समझो। ये देखें बेहतरीन बेहतरीन किस्म का जो है वो माहौल आपको देखने को मिलेगा। और वह सिटी आ गया, सुबह सुबह का वक्त, लोग अपने कारोबार को शुरू करते हुए। एजुकेशन सिटी भाई, ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। गेट्स पुराने नए तमाम गेट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा नए। डस्क का एजुकेशन हाउस, गाड़ी पास चल रही है, शायद आप लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। समड़ियाल इंटरचेंज, वाह समड़ियाल क्या नाम है, समड़ियाल इंटरचेंज। मेराज, मेराज हाउसिंग स्कीम, जबरदस्त मेराज हाउसिंग स्कीम आपको दिखा दी हमने। राज हाउसिंग स्कीम का वो बोर्ड भी लगा हुआ वहाँ पे, दूर इकबाल का शहर सियालकोट जा रहे हैं हम। हाँ अल्लामा इकबाल का शहर है सियालकोट की तारीख है भाई, सियालकोट मशहूर है फुटबॉल के लिए और खेलों के सामान के लिए, पूरी दुनिया में मशहूर है फुटबॉल यहाँ का। फीफा वर्ल्ड कप और तमाम वर्ल्ड कप्स के अंदर हमारा फुटबॉल जाता है।
यहाँ फुटबॉल बनता है मगर यहाँ पे फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है चलाने वाले, हाँ चलाने वाला कोई नहीं, बनाने वाली फुटबॉल हम ही हैं, बेहतरीन दुनिया का फुटबॉल हम बनाते हैं। बस्ती है आबाद पूरी कच्ची, और फिर खेत आ गए दोबारा, अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है, मतलब मिक्स एंड मिक्स कल्चर हो गया है, प्योरिटी नहीं रही, ना गांव रहा ना शहर रहा, एक मिक्स टाइप की आबादी हो गई है। ये देखिए वही गाय आ गई, गायों का बाड़ा